हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेलास किचन। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान और स्वादिष्ट है। बस हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और बन जाएगी हमारी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप साबूदाना। मैंने इसे अच्छे पानी में 2-3 बार धोकर रात भर भिगो दिया। ध्यान रहे कि साबूदाने में हमें उतना ही पानी डालना है जितना वो साबूदाना उसमें डिप हो जाए। मैं यहाँ पर एक साबूदाना आपको प्रेस करके बता रही हूँ, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ी सी कच्ची मूंगफली ली है, उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बस 3 से 4 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी। तो चलिए, अभी हो चुकी है, हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अपने हाथों से इसे प्रेस करके इसके छिलके अलग कर लेंगे। इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। अब मैंने एक पैन में यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हम थोड़ी सी कच्ची मूंगफली फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक। बस ये अभी हो चुका है, हम अब इसे निकाल देंगे। उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 10 से 15 करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच अदरक जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बॉईल किए हुए आलू जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो चलिए, आलू भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। मूंगफली जो हमने दरदरा पीसा था, इसे हम ऐड करेंगे। एक से डेढ़ छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड की है मैंने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे लो फ्लेम में ही पकाते रहना है। लगभग मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। अब देखिए, साबूदाना थोड़े ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी साबूदाने की खिचड़ी पककर तैयार है। गैस को मैंने अब बंद कर दिया है। जो मूंगफली हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, साबूदाना अब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये एकदम खिला खिला साबूदाना बनकर तैयार है। ये मैं आपको स्पून से उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम एक एक दाना अलग अलग बना है। तो चलिए, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो आप भी ये साबूदाने की खिचड़ी बनाइए और अपनों को ज़रूर खिलाइए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेलास किचन।